मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान अविवाहिता के लिए पेंशन को शुरू करने की वजह बताई। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर अविवाहिता व्यक्तियों के मान सम्मान को बड़े होने पर ठेस पहुंचने लगती है और ऐसे लोग कई बार शिकायतें लेकर आए हैं। अविवाहितों को कई कहना है कि उनका मान सम्मान बढ़ना चाहिए, इसलिए हरियाणा सरकार ने जिसकी आय बहुत कम है उसे सम्मान के तौर पर ये पेंशन देने का ऐलान किया। ये सामान्यतः ध्यान में आता है कि खासकर के ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो अविवाहित व्यक्ति होता है उसको थोड़ा सा उसके मान सम्मान को बड़े होने पर थोड़ा ठेस सी लगने लग जाती है। वो लोग कहते भी हैं कि हमको लोग जो है ना दूसरी दृष्टि से देखते हैं, तो इसलिए हमारा मान सम्मान बढ़ना चाहिए। तो मान सम्मान में एक ही छोटा प्रकार है, कोई हम एकदम कोई उनकी वैसी स्थिति तो नहीं ला सकते जैसी वो चाहते होंगे, लेकिन ये सब होने के बाद कोई उसकी आवश्यकताएं हैं परिवार की तो वो, यानी अपनी कोई आवश्यकता है तो वो उसकी पूरी हो सकती है। परिवार तो उसने बनाया ही नहीं है तो उसकी अपनी आवश्यकताएं हैं। किसी को छोटा मोटा मानो बहन है, कोई और है, किसी को लेना देना वो अपना कर सकता है। तो कुल मिलाकर के आय जिसकी बहुत कम है उसको एक सम्मानजनक तरीके से अपना जीवन जीने में कुछ सहयोग हो जाए, ये हमने नहीं ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं है। केवल इतना ही था, कुछ लोगों ने अविवाहित होने के नाते से सिंगल मेंबर फैमिली का एक अपना फार्म भरना शुरू कर दिया था कि हम ही अकेले। अब थोड़े बहुत लालच होते हैं उनके कि अलग से हमको डबल एवाई का फायदा मिल जाएगा, अलग से हमको आयुष्मान का कार्ड का फायदा मिल जाएगा, तो ऐसे कुछ लाभ होते हैं। हमने यह तय किया कि हम उसकी वेरिएशन करेंगे। अगर वो परिवार के साथ रहता है तो जिस परिवार में रहता है उसी के साथ उसकी फैमिली आईडी बनेगी, अलग से केवल इसलिए कि मैं अविवाहित हूं इसलिए नहीं बनेगी। फॉर्म आवेदन कर सकते हैं, वेरीफाई करने पर। हाँ,